180 रुपीज़ में 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो कैसा होगा? मेरा फेस पहले भी ऐसे लग रहा था, मेरा अभी भी ऐसे, मुझे लिटरली रोज वाटर वाली फीलिंग आ रही है इसमें से। फेविकोल की स्मेल क्यों आ रही है, ये कैसी सी है? Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So my name is Anusha और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मीशो मेकअप किट। सो मैं जब अपने बैग वाली वीडियो के लिए स्क्रॉल कर रही थी ना मीशो पे, तो मैंने एक वहाँ पे मेकअप किट देखी जो कि लिटरली सिर्फ 180 रुपीज़ की थी और उसमें हमें 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। सो आई वॉन्टेड टू सी कि ये कैसा होगा। प्लीज़ मैं ये वीडियो से बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप इसको लो, ये सारे के सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं एंड हमारे लिए फेक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते फेस के लिए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्ते में बहुत अच्छे, जैसे कि मार्स हो गया, हमारा स्विस ब्यूटी हो गया या फिर इनसाइट के हो गए, ये सारे सस्ते हैं बट बहुत अच्छे हैं। बट एक मेकअप किट मुझे ये मीशो पे दिखी, 180 रुपीज़ की थी, इसमें 10 प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको भी लगेगा ना कि 180 रुपीज़ में 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो कैसा होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम हेयर कि मैं आपके लिए ट्राई करूँगी। प्लीज़ आप मत लेना क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा तो है नहीं। सो मुझे ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, ओके मैं ऑलरेडी इसको खोली हूँ बट यूज़ नहीं किया है। सी कि कैसा होगा, क्या पता कुछ अच्छे भी हो उसमें। सो आई विल शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स, ओके। सो इसीलिए मैं आज आपके सामने बेयर फेस बैठी हूँ ताकि मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर ट्राई करके दिखाऊँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे हैं। तो ये मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुआ है, इसमें क्या क्या है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो ये मुझे सबसे पहले ये ब्यूटी ब्लेंडर रिसीव हुआ जो कि बहुत हार्ड है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर हमें रिसीव हुआ है ये ग्रास का मेकअप फिक्सर इन द वेरिएंट रोज़, ओके ये सारे फेक हैं। फिर है इनफैलिबल मैटिफाइंग बेस प्राइमर। फिर हमें ये फेक लैशेस भी मिली है, आप ये देख सकते हो। फिर मुझे एक कंसीलर रिसीव हुआ है, इसमें कोई भी शेड नहीं दिया है, और हाँ इसमें आप कोई भी शेड नहीं चूज़ कर सकते हो, जो आएगा आपको वही लेना होगा, ओके। सो ये कंसीलर भी है। फिर मुझे मिला है एक प्रेप एंड प्राइम एसेंशियल ऑयल। फिर मुझे मिला है फाउंडेशन इन द शेड NC25, आप ये देख सकते हो। फिर मुझे मिला है एक लूज पाउडर इन द सेम शेड NC25। और फिर मुझे लास्टली ये दो लिपस्टिक मिले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, ये लिपस्टिक में आप देख पा रहे हो, ये कैसी सी है, इसमें क्या है ये चीज़, ये मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो ये इसमें क्या है, बट मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परफेक्ट है, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ आज। आपको अगर पता है कि ये क्या चीज़ है इसमें या ये क्या होता है तो आप ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स, सो लेट्स बिगिन। सो मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगा रखा है, सिर्फ एक लिप बाम लगाया है। सो फॉर प्राइमर हमें ये दो प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे, एक है ये प्राइमर है, ये थोड़ा मैटिफाइंग टाइप है, और एक ये ऑयल बेस्ड प्राइमर है। आई थिंक ये सिलिकॉन बेस्ड होने वाला है, मैंने चेक नहीं किया है। सो मैं आज ये ना लगा के ये लगाने वाली हूँ, आई थिंक इससे बहुत ऑयली ऑयली सा फेस होना हो जाए, इसलिए मैं ये स्किप करने वाली हूँ। और वैसे भी पता नहीं ये कॉमेडोजेनिक है या नहीं है, ये देख लो आप, मैंने खोला भी नहीं है, ओके। सो मैं ये लगाने वाली हूँ, ये सिलिकॉन बेस तो नहीं लग रहा है, कि जेल बेस टाइप लग रहा है मुझे, ये लिटरली जेल है, कुछ भी सिलिकॉन नहीं है, आप ये देख पाओ तो, ये लिटरली जेल टाइप है। ये लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा है, ये लिटरली मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, फीलिंग आ रहा है कि मैं एलोवेरा टाइप लगा रही हूँ, मुझे तो मॉइस्चराइज भी फील नहीं हो रहा है, आप ये देख पाओ तो, ये लिटरली जेल टाइप है, इसने मेरे ना पोर्स फिल किए हैं, कुछ नहीं किया इसने। भाई मैं लगा लेती हूँ, आई डोंट नो उसके बाद मेरे फेस की क्या हालत होने वाली है, आई जस्ट होप कुछ गड़बड़ ना हो। मैं पूरे फेस पर अपने लगा चुकी हूँ, ये फाउंडेशन है इन द शेड NC25। आई थिंक ये मेरे फेस के लिए बहुत ही लाइट शेड है, अगर आप देख पाओ तो बहुत ही लाइट है, ओके। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को डैम कर लिया है, आप ही देख सकते हो।
ये काफी लाइट शेड होने वाला है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है, मुझे इसमें से फेविकोल की स्मेल क्यों आ रही है? कहाँ गायब हो रहा है? बहुत ही कम, बहुत मतलब इसमें कुछ भी कवरेज नहीं है, ये पूरा गायब हो गया अगर आप देख पाओ तो। मैं जबकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा रही हूँ तब ये देखो बिल्कुल भी इस पर कवरेज नहीं है। मेरा फेस पहले भी ऐसे ही लग रहा था, मेरा अभी भी ऐसे ही लग रहा है। ये गायब हो जा रहा है लिटरली ये प्रोडक्ट, आप अगर देखो। कोई भी कवरेज नहीं है इसमें, ये देख सको। अब हम लोग चलते हैं अपने कंसीलर की तरफ, बिकॉज फाउंडेशन में तो कोई भी कवरेज नहीं थी। कंसीलर इसकी कैप भी सही नहीं, अगर आप देख पाओ तो ये लिटरली घूमा जा रहा है, इसकी कैप तक सही नहीं आई है, बट ओके। मुझे कंसीलर डार्क लग रहा है अब। कंसीलर तो ठीक लग रहा है अभी तक इनका, कंसीलर सपोज टू गिव यू कवरेज, इसमें कोई भी कवरेज नहीं है। ये देखो यहाँ कितना पैची पैची सा हो गया है। बहुत ही पैची पैची सा हो रहा है ये। कंसीलर में कोई भी कवरेज नहीं है, मेरे डार्क सर्कल अभी भी मुझे प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, कंसीलर में बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। अपने पर दिखाती हूँ उसका फॉर्मूला, देखने में तो ठीक लग रहा है बट ना ये इसमें कोई भी कवरेज ही नहीं है। सॉरी मेरा माइक वहाँ कैमरा से निकल गया था एंड मैंने नोटिस नहीं किया, इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आई होगी। सो मैं ये बोल रही थी कि इस कंसीलर में बिल्कुल भी कवरेज नहीं आया, अभी भी आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। और इनका फॉर्मूला तो देखने में तो ठीक लग रहा था, बट आप अगर देख पाओ, मैंने अभी ये लगाया ठीक है, बट अभी भी मुझे कोई भी कवरेज नहीं मिल रही है। इतना सारा मैंने प्रोडक्ट इसमें लगा चुका है, बट ये देखो ये कहाँ गायब हो रहा है। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है एक तो बहुत ही हार्ड है, मैं इसको इतना पानी में अच्छे से वो भी किया, अच्छे से सोक करा उसको, स्क्वीज किया, बट बहुत ही हार्ड है अभी भी। ओके सो अब इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ना फाउंडेशन में कोई कवरेज है ना कंसीलर में कोई कवरेज है। क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं ये किट वाले? मैंने ये प्रोडक्ट जहाँ से लिया ना उसके रिव्यूज़ में लोगों ने इन प्रोडक्ट्स की इतनी तारीफ़ करी थी, सो मुझे इसलिए मन किया कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। 180 में 10 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी हुई थी इसमें। कैसे उन्हें ये सब पसंद आ रहा है आई डोंट नो। आई होप इनका लूज पाउडर तो अच्छा हो, पैकेजिंग तो सही आई है। ओके कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है, इसके साथ हमें वो भी मिला है जो कि काफ़ी हार्ड है। ये देखो पाउडर तो काफ़ी सही है, पाउडर तो अभी तक मुझे सही लग रहा है, शेड मैच इनका मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बट ठीक है। Let's try to bake our under eyes. पाउडर तो इनका मुझे ओकेश लग रहा है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बेकार है।
इनका मेन तो जो फाउंडेशन और कंसीलर है वही नहीं अच्छा है। आप ये देख सकते हो बिल्कुल भी कवरेज नहीं आई है अभी तक, मुझे मेरे डार्क सर्कल प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। सो बट अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, इस किट में ना तो हमें कोई ब्लश आया है, ना कोई आईब्रो प्रोडक्ट आया है, ना कोई कॉन्टोर आया है, ना कोई हाइलाइटर आया है, ना कोई काजल आया है। सो कुछ भी नहीं है हमारे पास बेसिकली। दो लिपस्टिक आई हुई थी जिसमें से मुझे नहीं पता इस लिपस्टिक को क्या हो रखा है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता देना, मैं इसलिए ये नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं यही वाले लिपस्टिक को एज अ ब्लश, आई नो ये बहुत डार्क शेड है बट अब कुछ तो चाहिए ना फेस पे, सो मैं इसको एज अ ब्लश भी अप्लाई कर लूँगी और एज अ लिपस्टिक भी। बहुत पैची पैची सा हो रहा है। अब तो कुछ बेटर लग रहा है। सो मैंने यही वाले लिपस्टिक से इसको एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया है, अब एज अ लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। मैं सोच रही हूँ इसी से थोड़ा सा अपने आईज़ में भी लगा दूँ क्या कलर देने के लिए। सो ओके, मैं इसको हल्का सा ब्रश पे लेके ट्राई करते हूँ अप्लाई करने का। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट था। हाथी से ब्लेंड कर देती हूँ। सो मैंने बहुत हल्का सा अपने आईज़ में भी अप्लाई कर दिया ये लिपस्टिक। ओके, ये बहुत डार्क शेड है, इतना डार्क शेड मैं वेयर ही नहीं करती हूँ। कलर तो अच्छा लग रहा है इसका, स्पेशली ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने जो ब्लैक आउटफिट डाली है, मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर दूँ, मेरे को अपना आई मेकअप बहुत पैची पैची सा। एंड हाँ, मेरा पूरा बेस ना जो फाउंडेशन था इवन कंसीलर सब कुछ गायब हो चुका है, इसलिए बहुत पैची पैची सा सब कुछ हो रहा है। सो लेट्स यूज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ये इनका मेकअप फिक्सर है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी लेबल नहीं है। मैं आपको इसका स्प्रे दिखाती हूँ। स्प्रे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें से एक रोज़ की स्मेल आ रही है। मैंने लैशेस नहीं लगाए बिकॉज इस किट में कोई भी लैश ग्लू नहीं आया था और मेरा वाला ख़त्म हो गया था कि रोज़ वाटर है। ये मुझे लिटरली रोज़ वाटर वाली फीलिंग आ रही है इसमें से। अभी सूखने में टाइम लगाएगा। इन्होंने लिटरली इसमें रोज़ वाटर भर के दे दिया है मेकअप फिक्सर के नाम पे, मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखो कितना ज़्यादा मैंने लगा दिया है। सो दैट्स हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक। आप ये देख सकते हो मेरा मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है। रोज़ वाटर अभी भी नहीं सूखा। मैं रोज़ वाटर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लिटरली इसमें से रोज़ वाटर की स्मेल आ रही है और ये मुझे रोज़ वाटर ही लग रहा है, कहीं से मेकअप फिक्सर नहीं है। और ये सूखने में बहुत बहुत टाइम लगा रहा है, मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं बट अभी तक ये सूखा नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट व्हाट डू यू वांट टू सी नेक्स्ट। एंड प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये प्लीज़ आप किट मत यूज़ करना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप ये देख सकते हो कहाँ गायब हो गए इनके सारे प्रोडक्ट्स, मुझे कुछ नहीं पता। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि वो लिपस्टिक में क्या चीज़ है, मुझे सच में नहीं पता है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चीज़ है। मैं आपको एक बार उसको पास से दिखा देती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। बाय बाय।